अस्सलाम वालेकुम, हेलो, हाय, कैसे हो दोस्तों? मैं हूँ नेगी और नेगी स्टाइल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, आप यहाँ पर देख सकते हो कि नेगीज़ किचन के अंदर आज एक बिरयानी बनी है। वैसे तो बिरयानी बहुत किस्म की होती है दोस्तों, लेकिन आज जो हम लोग यहाँ पर बना रहे हैं वो है बोरा स्टाइल पर्दा बिरयानी। तो बोरा भी स्टाइल की जो बिरयानी है वो भी एक बहुत ही फेमस बिरयानी है। इसका टेस्ट भी काफ़ी डिफरेंट होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, जल्दी से हम इसको बनाने की तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है 750 ग्राम्स मटन। तो फ्रेंड्स, मैंने जो मटन लिया है यहाँ पर वो हड्डी वाला लिया है। आप चाहे तो बग़ैर हड्डी का भी, गोश्त ओनली लेके भी आप बना सकते हो। तो उसके साथों साथ मैंने यहाँ पर डाला है जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून, और उसके साथ हम इसके अंदर थोड़ा सा चुटकी भर नमक डाल देंगे, क्योंकि बाद में भी हमें नमक ऐड करना है तो हम थोड़ा सा ही डालेंगे। अब यहाँ पर हमें ये करना है कि इसको चला लेना है, थोड़ा सा मिक्स कर लेना है। और यहाँ पर मिक्स करने के बाद अब हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 1 कप पानी शामिल किया है। अब हम प्रेशर कुकर को बंद करेंगे और 5 से 6 सीटियाँ हम इसे लगा लेंगे। तो जब तक हमारा फ्रेंड्स मटन गल जाता है, तब तक हम दूसरी तरफ जल्दी से बोरा बिरयानी का जो मसाला है उसको बनाने की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 4 से 5 टेबलस्पून घी लिया है, देसी घी। आप चाहे तो ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप चाहे तो कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ें हमें ऐड करनी है वो है 3 दालचीनी के टुकड़े, 10 काली मिरी, 3 जावित्री, 7 लौंग, 4 बादियान के फूल, 1 टीस्पून जीरा, 6 हरी इलायची, तेज़पत्ते के मैंने 4 पीसेस लिए हैं, 2 बड़ी इलायची, और ये सारे मसालों को अब हम देसी घी में डालेंगे। जैसे ही घी थोड़ा गर्म होता है दोस्तों, अब हम अपने जो सूखे मसाले हैं, ड्राई स्पाइसेस, इसको हम घी के अंदर डाल देंगे। अब हम इसको घी के अंदर 30 सेकंड्स के लिए ही थोड़ा सा रखेंगे, ताकि जो इसके फ्लेवर्स हैं वो आ जाए। अब नेक्स्ट जो हमें करना है, इसके अंदर एक मीडियम साइज़ की ऑनियन जो है वो अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे। जी हाँ, जब हम लोग इसके अंदर प्याज डालेंगे तो बस हमें उस वक्त तक हमें इसे पकाना है जब तक ये लाइट गोल्डन कलर की ना हो जाए। जैसे ही ये लाइट गोल्डन कलर की हो जाएगी फ्रेंड्स, हम इसके अंदर जो हमने प्रेशर कुकर में जो अपना मटन गला के रखा था, हम वो मटन जो है वो इसके अंदर शामिल कर लेंगे। मटन ऐड करके हमें इसे थोड़ी देर के लिए पका लेना है। वैसे तो ये गला हुआ ही है, लेकिन बस एक थोड़ा सा हल्का सा इसको सौटे कर लेंगे। और अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टेबलस्पून ग्रीन चिली पेस्ट। जी हाँ, हमने यहाँ पर रेड मिर्ची का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया, हमें इसे ग्रीन मसाले में ही बनाना है। और उसके अलावा हम लेंगे यहाँ पर 2 टेबलस्पून मिंट और कोरिएंडर लीव्स, जो धनिया और धनिया के पत्ते और पुदीने के पत्ते, ये हमें शामिल करना है। और उसके साथों साथ अपने स्वाद के अनुसार हमें इसके अंदर नमक ऐड करना है। अब हमें एक बार फिर से इसको थोड़ा चला लेना है 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि जो जिंजर गार्लिक पेस्ट है और ग्रीन चिली पेस्ट है वो मटन के साथ अच्छी तरह से हो जाए मिक्स। अब हम इसके अंदर मिलाएंगे 1.5 कप दही, 1 टेबलस्पून कैशू पेस्ट और 1 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम। इन तीनों चीज़ों को मैंने एक साथ ही ग्राइंडर में पीस लिया था। अब हम इन तीनों चीज़ों को मटन के साथ शामिल करेंगे और फिर इसमें 2 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर ऐड करेंगे। इन मसालों को ऐड करने के बाद एक बार फिर से हम इसे अच्छी तरह से चला लेंगे, ताकि सारे मसाले जो है वो अच्छी तरह से एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाए। अब इन मसालों को अच्छी तरह से भून लेंगे। भूनने के बाद अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1.5 कप तली हुई प्याज। मैंने पहले से ऑलरेडी इसको प्याज को फ्राई करके मैंने रख लिया था। इसके अलावा यहाँ पर हम इसके अंदर शामिल करेंगे 5 पीसेस ऑफ एप्रिकॉट्स खुबानी। ये जो है मज़ीद इस बिरयानी के अंदर और टेस्ट में इजाफा करेगी।
इसको हम भून लेंगे। हमें ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं फ्रेंड्स, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने मटन जो है प्रेशर कुकर के अंदर हमने गला लिया था, तो ये बहुत जल्दी बन जाती है इसकी वजह से। और अब हमें इसके अंदर ऐड करना है 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, और उसके अलावा मैं यहाँ पर शामिल करूँगी जो मटन को जब हमने गलाया था तो उसका स्टॉक बचा हुआ था, तो उसमें से 1/2 कप जो स्टॉक है वो मैं यहाँ पर ऐड करूँगी अब भुनाई के टाइम पे, ताकि वो स्टॉक भी इस्तेमाल के अंदर आ जाए और उसके फ्लेवर्स भी आ जाए। और उसके साथों साथ फ्राई किए हुए आलू मैं यहाँ पर ऐड करूँगी। अगर आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, पर इस बिरयानी के अंदर आलू भी एक अहम हिस्सा है, तो मैंने इसके अंदर इसे ऐड किया है। मज़ीद हम इसके अंदर ऐड करेंगे कोरिएंडर और मिंट के पत्ते, तो उसको चला लेंगे। अब ये जो हमारा बोरी बिरयानी मसाला जो है वो इस तरह से पूरा हो चुका है रेडी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बिरयानी के पर्दे बनाने की तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले हम शामिल करेंगे 2 कप मैदे का आटा, आप चाहे तो गेहूं का आटा भी ले सकते हैं, 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून हम लेंगे यहाँ पर बेकिंग पाउडर, और उसके अलावा 1 टेबलस्पून हम लेंगे दही। इन सब चीज़ों को शामिल करने के अलावा यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे पानी इसे भूनने के लिए। और अब हम सबसे पहले तो जो जो चीज़ें हमने इसमें ऐड की है उसको कर लेते हैं हम अच्छी तरह से मिक्स। यहाँ पर इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम यहाँ पर धीरे धीरे थोड़ा पानी डालेंगे। बस एक बात का ध्यान रखना है कि हमें जो आटा जो है वो थोड़ा सा हमें टाइट ही गूंदना है, थोड़ा कड़क ही रखना है इसको, ज़्यादा इसके अंदर हमें पानी शामिल नहीं करना है, पतला नहीं बनाना है, ताकि जब हम इसका रोटी बेलें तो वो अच्छी तरह से हमें बनाने में आसानी हो जाए। दो को जो है वो अच्छी तरह से गूंद लेंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून ऑयल और हम इसे रख देंगे 1 घंटे के लिए सेट होने के लिए। 1 घंटे के बाद हम दोबारा अपने डो को निकालेंगे और क्लीन काउंटर टेबल के ऊपर लेके हम इसे मज़ीद 5 मिनट के लिए दोबारा हम इसे गूंद लेंगे, ताकि ये जो डो है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। हमारा डो जो है वो अच्छी तरह से हो गया है सॉफ्ट। अब हमें जो करना है वो है पर्दा बनाने की हमें तैयारी करनी है। फ्रेंड्स, आटे को जितना हम अच्छी तरह से अपने डो को गूंदेंगे उतना ही जो है जो हमारा जो पर्दा होगा वो बहुत ही अच्छा और क्रिस्पी तरीके से तैयार होगा। तो ये यहाँ पर हो गया है रेडी, अब हमें इसे जल्दी से बेलना है। तो अब हम थोड़ा सा आटा जो है डस्ट करेंगे, ताकि हम अपने जो पर्दा जो है हमारा उसको हम बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हमें इसे सेम रोटी की तरह ही बेलना है, बट फ़र्क इतना है कि हमें यहाँ पर एक बड़ी साइज़ की रोटी तैयार करनी है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने धीरे धीरे यहाँ पर एक बड़ी सी रोटी जो है वो तैयार कर ली है। अब जो पैन है हमें लेना है, उसमें मैंने कलौंजी ऐड किया है, ऑनियन सीड। अब मैं अपनी रोटी जो है वो आहिस्ता से इसके ऊपर मैं रखूँगी और मैं धीरे धीरे से इसको एडजस्ट करूँगी, ताकि ये फटे नहीं और ये आराम से ये इसकी तह तक चला जाए। फ्रेंड्स, जो हमारा पर्दा था वो ऑलरेडी हमारे पैन के ऊपर आ चुका है। अब हमें नेक्स्ट करना है इसकी गार्निशिंग। तो इसकी गार्निशिंग के लिए मैंने सबसे पहले मैंने फ्राई ऑनियन जो थे वो सबसे पहले मैंने इसके ऊपर डाल दिया है, और उसके बाद यहाँ पर मैं ऐड करूँगी जिंजर के थोड़े से मैंने लंबे लंबे पीसेस काट के ले लिए हैं। इसे काट के हमें इसके ऊपर डाल देना है, आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हो, और मैंने यहाँ पर इसे ऐड किया है। उसके अलावा मैंने यहाँ पर लिया है पुदीना और हरे धनिए के पत्ते, इसको कट करके इसको भी इसके ऊपर डाल दीजिए। और नेक्स्ट यहाँ पर मैंने लिया है बॉयल किए हुए बासमती राइस। ये चावल जो थे दोस्तों, मैंने पहले से इसको 80% बॉयल करके मैंने रख लिया था, तो हम यहाँ पर थोड़े चावल जो है इसके ऊपर ऐड कर लेंगे, डाल देंगे, डायरेक्ट मसाला नहीं डालेंगे, पहले थोड़ा सा हम इसके ऊपर चावल डाल देंगे। और चावल डालने के बाद मैंने यहाँ पर सोक की हुई जो ज़ाफ़रान थी वो मैंने डाली है, और इसके अंदर मैंने 1/2 टीस्पून फूड कलर भी मैंने ऐड किया है, आप चाहे तो इसको फूड कलर को स्किप भी कर सकते हो। तो ये डालने के बाद आपको फिर जो दोबारा जो हमने
बोरी मसाला जो हमने तैयार करके हमने जो रखा है, तो हमें वो मसाला इसके ऊपर डालना है। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से इसके ऊपर जो अपना तैयार किया हुआ जो मसाला है वो आप इसके ऊपर डाल दीजिए और अच्छी तरह से इसको इसके ऊपर। मसाला तो दोस्तों हमारा इसके ऊपर आ चुका है। अब हमें नेक्स्ट करना है कि हमें जो हमारे बॉईल किए हुए राइस है, हमें उसकी एक लेयर दोबारा इसके ऊपर लगा देनी है, क्योंकि हमने पहले थोड़े से राइस डाले थे, लेकिन अब हम जो है इसके ऊपर जैसे हमने मसाला डाला है उसी को नज़र में रखते हुए अब हम इसके ऊपर बॉयल्ड राइस जो है वो अच्छी तरह से इसके ऊपर फैला देंगे हम। और फैलाने के बाद अभी हमें नेक्स्ट जो हमें करना है वो है दोबारा से हम इसकी गार्निशिंग करेंगे। गार्निशिंग के लिए फ्रेंड्स हम यहाँ पर दोबारा से इस्तेमाल करेंगे जो हमारे 100 कीवी जो हमारी ज़ाफ़रान फूड कलर के अंदर थी, हम उसका इस्तेमाल करेंगे, वो डालेंगे। इससे हमारे चावल और ख़ूबसूरत लगेंगे देखने में। और उसके साथ साथ हम इसके ऊपर डालेंगे जो पुदीना और जो हरा धनिया है कटा हुआ वो ऐड करेंगे। उसके बाद दोबारा से हम इसके ऊपर फ्राई किया हुआ ऑनियन डालेंगे। और ऑनियन डालने के बाद यहाँ पर मैं 1 टीस्पून रोज़ वाटर शामिल करूँगी। आप चाहे तो इसकी जगह केवरा या कोई दूसरा जो बिरयानी एसेंस है आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने रोज़ वाटर का इस्तेमाल किया है। उसके अलावा मैं यहाँ पर 1 टीस्पून जो डालूँगी देसी घी। तो देसी घी डालने के बाद ये हमारी गार्निशिंग हुई कंप्लीट। अब हमें से जो है हम पर्दे को बंद करें। तो अब यहाँ पर फ्रेंड्स हमें करना है अपने पर्दे को बंद। तो आप ध्यान से इसको अच्छे से हर तरफ से आप इसको बंद कर दीजिए, सील कर दीजिए। ठीक है, तो अगर आपकी रोटी थोड़ी बहुत फट भी जाती है तो भी कोई मसला नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ्रेंड्स यहाँ पर हम नॉनस्टिक पैन का ही इस्तेमाल करेंगे पर्दा बिरयानी बनाने के लिए। तो अब हम इसे 10 मिनट के लिए लो फ्लेम के ऊपर पकने के लिए रख देंगे। तो 10 मिनट के बाद हम यहाँ पर देखेंगे, इसको चेक करेंगे, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि इसने अपनी साइड्स जो है ऑलरेडी, ये जब आप हिलाओगे तो ये ऑलरेडी ये हिलने लग जाएगी। और इसने अपने साइड्स को भी छोड़ दिए, यानी ये बिल्कुल भी चिपकी हुई नहीं है, ये अच्छी तरह से पक गई है। अब हमें करना है इसे टर्न। तो टर्न करने के लिए मैंने एक अपना तवा ले लिया है। तो वो तवा लेने के बाद आप आराम से केयरफुली इसको जो है वो फ्लिप कर देंगे। तो फ्लिप करने से ये होगा कि ये देखिए दोस्तों, हाँ ये पूरी अच्छी तरह से जैसा मैंने चाहा था उसी तरह से सेम कुक हो गई है। इसका कलर भी एकदम बेहतरीन आया है और जो हमने कलौंजी डाली है वो भी बहुत अच्छी नज़र आ रही है इसके ऊपर। तो ये फ्लिप करने के बाद अभी हमें नेक्स्ट दोबारा ये करना है कि हम उसी पैन के अंदर इसको दोबारा से डालेंगे ताकि ये दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से पक जाए। तो हमें सेम चीज़ करनी है दोस्तों, 10 मिनट के लिए लो फ्लेम के ऊपर हमें इसे दोबारा से इसको ढक के पकाना है। जी हाँ, तो अब ये जाएगी 10 मिनट के लिए पकने के लिए लो फ्लेम पे। और ये 10 मिनट हो चुके हैं और हमारी जो पर्दा बोरा बिरयानी जो है वो हो चुकी है रेडी। तो हाजिर है ये हमारी मेन डिश में। तो साथ ही मैं यहाँ पर तैयार करने जा रही हूँ एक रिफ़्रेशमेंट ड्रिंक, जिसके लिए मैंने पुदीने के कुछ पत्ते और लेमन का एक पीस लिया है। अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ माउंटेन ड्यू। तो मैं यहाँ पर इन तीनों चीज़ों को शामिल करके बना लूँगी एक रिफ़्रेशमेंट ड्रिंक जो हम सर्व करने के लिए जाएंगे अपनी इस बोरा पर्दा बिरयानी के साथ। तो ये हमारी रिफ़्रेशमेंट ड्रिंक जो है हो गई है रेडी। अब हम चलते हैं अपनी आज की स्पेशल बोरा बिरयानी की तरफ, जिसको हमने बहुत ही प्यार से बनाया है। तो ये हाजिर है, इसके साथ मैंने रायता भी बनाया है और उसके साथों साथ ये जो हमारा रिफ़्रेशमेंट ड्रिंक है वो। तो चलिए अब बारी आती है हमारे पर्दा बिरयानी को कट करके देखने की कि हमने कैसे बनाई। फ्रेंड्स जो हमारी रोटी बनी है वो एकदम क्रिस्पी बनी है, जैसे कि मैंने चेक किया था इसको स्टार्टिंग में ही। और अब बारी आती है इसको कट करने की और हमें इसे
आराम से धीरे धीरे गर्मा गर्म जो हमारी बनी हुई जो बोरा बिरयानी है उसको हमें इस रोटी को हमें कट करना है। और अब बारी आती है इसको चेक करने की। तो यहाँ पर हमारा पर्दा कट करके हो गया है रेडी। अब हमें नेक्स्ट ये करना है कि हमें इस पर्दे को धीरे धीरे हटाना है और हमें चेक करना है कि हमने इसे किस तरह से बनाई है। तो लीजिए जनाब, ये हो रहा है ओपन और माशाल्लाह परफेक्टली बहुत ही अच्छी तरह से कुक करके बिरयानी नज़र आ रही है। और चावल भी जो थे हमारे जो 80% हमने पकाए थे वो भी पूरे 100% पक्के हो चुके हैं। जी हाँ, और गर्मा गर्म बोरा बिरयानी जो है ये आपके सामने हाजिर। तो फ्रेंड्स, आपको आज की ये बोरा पर्दा बिरयानी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन से जाइए दोस्तों और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और जो पास में जो बेल का आइकन है उसे भी दबाइए ताकि आने वाली मेरी जितनी भी वीडियोज़ है उसका नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचता रहे। तो दोस्तों, इसी के साथ नेगी को दीजिए इजाज़त। मैं आऊँगी दोबारा आपके पास एक नई और एक बेहतरीन डिश लेके। तब तक के करिए इंतज़ार और मैं हाजिर होंगी बहुत जल्द आपके सामने। अल्लाह हाफिज़।